अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अर्शीज किचन में आप सबको खुश आमदीद। अर्शीज किचन में आज हम बना रहे हैं मजेदार सा शादियों वाला जरदा, जिसके लिए मैंने ये आधा किलो बासमती चावल लिए हैं और उसको थोड़े पानी में भिगो दिया है। एक पाव मैंने चीनी ली है। गार्निशिंग के लिए पिस्ते बादाम, चिली मिली और खोया, छोटी इलायची और लौंगे, छमछम गुलाब जामुन, किशमिश। ये मैंने पानी उबालने रखा है और उसके अंदर मैंने आधा चम्मच जर्दे का रंग, दो चार लौंगे और दो तीन इलायचियां छोटी सब्स वो डाल दी हैं। कलर मैं और देखूंगी, क्योंकि ना डार्क हो ना लाइट हो, प्यारा सा कलर आना चाहिए चावल पे जैसे बॉयल होता है। तो हमने इसके अंदर चावल ऐड कर दिए हैं और ये मैं बासमती में बना रही हूँ। ये मैंने आधा कप घी लिया है और इसके अंदर अब मैं ये दो से चार लौंगे डाली हैं मैंने, छोटी इलायची। लौंगों से बहुत जबरदस्त टेस्ट, लौंग डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है जर्दे में। और अब हम ये चावल ऐड कर देंगे जो हमने ये चावल डालने के बाद अब मैं इसके अंदर चीनी ऐड कर रही हूँ। देखें दर्दे का रंग जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा चावलों पे चढ़ा है, ना ज्यादा डार्क हुआ ना लाइट हुआ, ये कलर दर्दे में अच्छा लगता है। अब हम इसको हल्के आंच पे रखेंगे थोड़ा। टाइम पे मैं ये थोड़ा किशमिश डालूंगा और थोड़ी पिस्ते बादाम और थोड़ा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। ये मैंने थोड़ा खोया इसमें डाल दिया है और अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी 15 मिनट के लिए। इंशाल्लाह हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। देखिए माशाल्लाह सब खिले खिले बने हैं। और ये थोड़ी चीनी मैं डाल दूंगी और आधी गार्निशिंग के लिए रख दूंगी। अब हम इसको दम पे लगाएंगे, 15 मिनट बाद हमारे चावल रेडी हो जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जर्दा तैयार हो गया है और एक एक दाना माशाल्लाह खिला हुआ है। बहुत मजेदार जर्दा तैयार हुआ है। और मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको मेरे जर्दे की रेसिपी कैसी लगी। और अब तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में। अल्लाह हाफिज़।